हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एसएससी का सेकंड पार्ट करेंगे। जो भी सीपीओ का पेपर किया था हमने, 24 सीपीओ का एग्ज़ाम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, जो 24/12/2020 का एग्ज़ाम है उसके 25 क्वेश्चन हम पहले कर चुके, आगे कर रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं 26 से। बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 217 ए प्लस बी 7, वैल्यू ऑफ ए बी। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी तो इसमें फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 347, सॉरी 343, 7 का क्यूब। तो इसकी सारे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 217, ठीक है, प्लस 3 ए बी इसकी 7 है 343। तो 216 343 तरफ चला जाएगा तो कितना बनेगा, ये तो 21 ए बी हो गया, इज इक्वल टू 343 माइनस 216, तो 21 ए बी इज इक्वल टू 126। तो 21 से 126 6 टाइम कटेगा, तो यहाँ से मेरी ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी की वैल्यू क्या आई, 6, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक साइक्लिक क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब बोला जो एंगल पी है वो 4 टाइम ऑफ एंगल आर है, मतलब अगर ये मेरा एंगल आर है तो एंगल कितना होगा, 4 टाइम ऑफ आर मतलब 4 आर, ठीक है। एंगल एस जो है 3 टाइम्स एंगल क्यू का, ये मेरा एंगल क्यू है और ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ क्यू। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो पी प्लस आर 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी, 4 आर प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो 5 आर इज इक्वल टू 180। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 536, ठीक है, तो 36 आर की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो एस प्लस क्यू कितना हो गया, 180, ठीक है। तो 3 क्यू, एस की वैल्यू 3 क्यू है, प्लस क्यू इज इक्वल टू 180, 4 क्यू इज इक्वल टू 180। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो Q की वैल्यू 45, 45। अब क्या पूछा है, एवरेज ऑफ Q और R का, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 36 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 81/2, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 40.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 25% का 400, मतलब ये 100 हो गया, ठीक है,
100 हो गया, प्लस 35% का 1260 कितना हो गया, 441। 27% का 1800, 27 गुना 18 कर देना, 486। 1020 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं कि किस किस के बीच में आ सकता है, चेक करते हैं किस में आएगा। इनका सम करो तो इनका सारे का सम होगा 1027, ठीक है। तो इसका मतलब 1020 प्लस 7 है, तो एक्स किस में आया, 7, 7 किसके बीच में आएगा, सिर्फ इसके बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि पाइप ए बी सी फिल कर रही इतनी देर में, ठीक है, ए बी सी 15, 30, 40, एलसीएम लो तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 120, ठीक है। तो ये कितनी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 3। अब क्या बोला कि पाइप ए बी सी ओपन किया 6 AM, 8 AM और 10 AM, हमें अब तक टोटली 10 AM का लेना है, टोटली 10 AM का लेना है, तो 6 से 10 जाएंगे तो 4 घंटे, तो इसका मतलब 1 घंटा में ये 8 काम करता है, तो 8 4 घंटे में कितना करेगा, 8 × 4 कितना करेगा, 32। अब बीच जाएगा 8 से 10, मतलब 2 घंटे में, अगर ये 1 घंटे में 4 काम करता है, 2 घंटे में कितना काम करेगा, 8, ठीक है। अब 10 बज चुके हैं, अब सी स्टार्ट कर रहा है 7 मिल गए, तो अब तक का काम कितना कंप्लीट हो गया, 40, बचा कितना, रिमेनिंग काम कितना बचा, 80, क्योंकि टोटल 120 था, 40 कंप्लीट, 80 बचा। अब 80 ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी, 1 घंटे में तीनों की मिलकर 12, 15, तो रिमेनिंग काम 80 था, 15 काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, 80 काम को 1 घंटे में 15 काम करा, तो 80 काम कितनी देर में करेगा, 5 से कट कर दो 3 और 16, तो कितना चला गया, 5.5 से ये 1/3, 1/3 किस मिनट बना दो, 60, तो 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, तो 3 20, 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट के बाद काम पूरा कर देगा। अब पूछा क्या है कि व्हेन विल द टैंक बी फुल, मतलब परफेक्ट टाइम पूछा है, तो परफेक्ट टाइम क्या होगा, हमने 10 बजे स्टार्ट किया था काम को, 5 घंटे 20 मिनट जोड़ दो तो कितना आएगा, 15 घंटे 20 मिनट, ये तो 24 घंटे के अकॉर्डिंग है, लेकिन 12 घंटे के अकॉर्डिंग पीएम दे रखा, तो पीएम क्या हो जाएगा इसका, 3:20 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है, कोट 4 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस 5 डिग्री, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल शो करेगा इसमें, ठीक है, कोट और टेन का रिलेशन होगा, तो कोट को 10 में चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस 5 डिग्री, डिग्री हटा देते, 10 से 10 कट, तो यहाँ से 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 5, तो थीटा अलग ले जाओ, 5 अलग ले आओ, तो इधर 95 आ गया, इधर कितना आ गया, 5 थीटा, तो 5 से कट कर दो 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आपका आंसर।
बोला कि सेंट्रल एंगल सेक्टर रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। सब्सिडी कितने का है? 21 का है। 21% पे एंगल कितने का होगा? 100% पे एंगल कितने का? 360। ठीक है, अगर मैं 1% की बात लूँ तो 3.6 डिग्री। तो 21 पे कितना हो जाएगा? इधर 21 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। 21 6 126, 21 3 63, 63 और 12 75, 75.6 डिग्री लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। क्या है? प्रेजेंट एज इतनी है, ठीक है, 12 साल के पहले -12 पीछे चले गए तो इतनी होगी। तो सम पूछा है ए और बी का प्रेजेंट का, तो सम पूछा है तो इन दोनों का सम कितना? 7। ठीक है, अब ऑप्शन में वो ऑप्शन चेक करें जो 7 से डिवाइड हो जाए। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली एक ऑप्शन बचा आपका 84 जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम अगर फॉर्मेट लें, पहले पॉइंट का काम पूरा कर देते हैं। पॉइंट अगर ये पॉइंट मैं इस दोनों के बीच में ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, सभी के बीच में। तो ये एज इट इज ऊपर वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को लाने के लिए मैंने क्या किया? सभी के साथ 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो ये क्या बना? 1/100 बाहर आ गया। अब अंदर क्या फार्मूला बनाया? अंदर फार्मूला बनाया a³ + b³। नीचे क्या हो जाएगा? a² + b² - ab। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? a + b, ठीक है, a² + b² - ab डिवाइड बाई a² + b² - ab। तो इन दोनों से ये कट गए। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? a + b। ठीक है, तो a तो मेरा 4.35 है, b मेरा 3.25 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1/100 इंटू में 7.60। ठीक है, अब पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 0.07 0.0076 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि बार ग्राफ है, बोला कि बार ग्राफ है, क्या है? B1 B2 B3 2018। तो 2018 की कौन सी लाइन है? ऊपर चेक करते हैं हम, ब्लू कलर मतलब नीला कलर है 2018, लाल कलर है 2019 के लिए। तो B1 B2 B3 यहाँ से हम 80 उठा लेते हैं। B1 का हो गया, B2 का 75 हो गया, B3 का 95 हो गया। ठीक है, तो इनका सम करो कितना आएगा? 2018 में 250 और 2019 का उठाना, आप क्या क्या उठाना है? लाल कलर यहां से 95 उठा लेते हैं, यहां से भी 95, यहां से 80। तो इनका सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 270। क्या पूछा? कि
रेशियो पूछा है इन दोनों कंडीशन का, तो आप रेशियो पुट कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, आपके पास रेशियो क्या आया 25:27। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ए जो है कंप्लीट करेगा 35 दिन में, बी जो है कंप्लीट करेगा 15 दिन में, ठीक, तो टोटल काम कितना हो गया 105। इन दोनों का एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 7। ठीक, अब पूछा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं 8 दिन के लिए, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10, और 8 दिन में गुना 8 कितना कर दिया 80 कंप्लीट। तो बी छोड़ के चला गया, मतलब ये छोड़ के चला गया, ठीक है, तो एक करेगा आगे काम, तो 105 में से 80 गए, रिमेनिंग काम कितने बचे 100, टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क, 105 में से 80 गए तो 35, सॉरी 25 बचे, ठीक है। अब पूछा कि एक अकेला कितने दिन में काम करेगा बचे हुए का, बचे हुए मतलब 25 का, 25 का 60%, 25 का 60% निकाल दो, 60%, 60% के हम पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 3/5, मतलब 25 का 3/5 कितना काम हो गया, 5 से 5 गया 15, ठीक, 15 काम करना है ए ने, ठीक, कितने दिन में करेगा 15 काम, अगर वो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में करेगा बटे 3, तो कट कर दो, आपका क्या आंसर आ जाएगा 5। थर्टी सिक्स, बोला कि एक सम है 27,000 का, दो पार्ट में बांटा है, तो दो पार्ट में बांटा है, मैं एक को एक्स मान लू, दूसरे को 27,000 में से माइनस एक्स करता हूँ, ठीक है, दो पार्ट हो गए, ये ए का है और ये बी का है, ठीक है, क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये दोनों प्रिंसिपल है इनके, ठीक है, रेट कितने 15% है दोनों की, ठीक है, टाइम कितना है ए का 2 है बी का 4 है, 2 और 4, तो ऐसा का फार्मूला पता होगा आपको, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रेट इतना ए बी इक्वल, दोनों का ऐसा ही क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे एक्स यहां से 30% ऑफ एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 30% इज इक्वल टू 27,000 माइनस एक्स, टोटल परसेंट ले लेते हैं 4 साल का, 1560%, ठीक, परसेंट से परसेंट काट दिया, 30 से गया कितने बार 2 टाइम्स, ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू 2 × 27 54,000 माइनस 2x, एक्स को उधर ले जाएंगे तो 3x बना देगा, इज इक्वल टू 54,000, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 18,000, एक्स की वैल्यू कितनी आई 18,000, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो आई 18,000, मतलब प्रिंसिपल, अगर ये मेरा 18,000 है ये प्रिंसिपल, तो ये कितना हो 27,000 माइनस 18,000, तो ये कितना हो जाएगा 9,000 बी का प्रिंसिपल। अब बोला कि टोटल इंटरेस्ट बताना है,